खुदा ना खास्ता किसी बीमारी को लेके तो आपको सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। कभी किसी और का इस्तेमाल शुदा टूथब्रश, नेल कटर, कंघी, तौलिया और इंसुलिन पिन इस्तेमाल ना करें। ये चार चीज़ें एटलीस्ट हर शख्स की ज़ाती होनी चाहिए। और अगर यहाँ ये जो रेड दुपट्टे में दो बेटियाँ बैठी, इनमें से किसी को समझ आ गई कौन सी चार चीज़ें, तो आए मैं आपको प्राइस देता हूँ, मुझे बता दें जल्दी से। खलील अंकल के पास जाएं। कौन सी चार चीज़ें मैंने बताया कि आपकी अपनी होनी चाहिए? तौलिया, इंसुलिन पेन, टूथब्रश और नेल कटर और कॉम। हाँ, नेल और कॉम अलग अलग है ना, नेल कटर अलग है, कॉम अलग है। तालियां होनी चाहिए। जी बेटा, वॉशरूम से निकलकर हाथ अच्छी तरह से धोएं। अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जिनका आधा ईमान सफाई है उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हाथ कैसे धोने। और अक्सर जगहों पे हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो सिर्फ इस वजह से फैल रहे हैं कि हमें प्रॉपर हाथ नहीं धोने आते। दुनिया में जहाँ पे तरक्की हो चुकी है वहाँ पे मौत की सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारियाँ हैं, और जहाँ पे अभी तरक्की हो रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वहाँ पे मौत की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन जो है उसका बुनियादी सोर्स आपके हाथ है। हम आप अच्छे तरीके से हाथ नहीं अभी तक धोना सीख सके, जिस वजह से हमारी सोसाइटी में बेशुमार बीमारियाँ और उनकी वजह से बेपनाह शराय मौत में इजाफा हुआ है। तो आज हम आपको सिखाएंगे भी कि आपने हाथ कैसे धोने हैं। हमारा पास तीन बेटियां मौजूद हैं। पहले ब्लड स्क्रीन करवाएं, पानी हमेशा बॉयल करके पिएं, बच्चे की झड़ करवाते हुए और खतने करवाते हुए नया रेजर इस्तेमाल करवाएं। कोशिश करें कि जब आप कॉलेज आती हैं घर से पानी की बॉटल लेके आए, लंच बॉक्स लेके आए, और कभी भी आपका कोई अजीज कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज होता है तो वहाँ इस बात को यकीनी बनाएं कि उस अजीज़ रिश्तेदार को जो ब्लड लग रहा है वो वेरीफाइड ब्लड हो, स्क्रीन शुदा ब्लड हो। अक्सर औकात हमने देखा